मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में बताऊंगा। रेक्टिफायर या दिष्टकारी क्या होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर यानी कि एसी को डीसी में जो बदलता है उसे रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एसी होती है और डीसी होती है दोनों में क्या फर्क है। एसी होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, दोनों ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। लेकिन जो डीसी होती है वो सिर्फ पॉजिटिव होती है, वो इस लाइन के सिर्फ ऊपर ही होगी। तो एसी और डीसी में हम इस तरह से फर्क पहचान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में किस तरह से काम करता है। जब ये पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, अग्र बायस होता है। इसमें क्या होता है कि पी एन जो डायोड होता है वो एक सिंपली वायर की तरह बिहेव करता है। मतलब जितना वोल्टेज यहाँ होगा वो सारा वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल जाएगा। लेकिन पी को अगर नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो रिवर्स बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये ओपन हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस यानी कि नेगेटिव मतलब आपका वोल्टेज आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। ये दोनों कंडीशन अगर पता है तो हम रेक्टिफायर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं रेक्टिफायर। तो ये जो सर्किट है आपका वो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसमें क्या है, एक डायोड का यूज किया है, एक ट्रांसफार्मर का यूज किया है और एक रेजिस्टेंस का यूज किया है। रेजिस्टेंस का यूज इसलिए क्योंकि आउटपुट यहीं से लेते हैं हम लोग। अब 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई हम लोग अपने जो घरों में आती है वहां से लेते हैं। फिर उसमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डायोड जो होता है वो 5 वोल्ट या 9 वोल्ट पे काम करता है। 230 वोल्ट अगर हम उसको देंगे तो वो उड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर से 230 वोल्ट को हम 9 वोल्ट में कनेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अपने पास 9 वोल्ट आ गया। उसके बाद कैसे होता है पूरा प्रोसेस वो दो केस में समझते हैं हम लोग। पहला केस, जब ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, क्योंकि जो आउटपुट आपका आता है यहाँ पर आउटपुट सेकेंडरी में वो कुछ इस तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, मतलब बार बार कभी कभी ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, कभी बी पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा, तो ये चेंज होता रहता है। तो हम लोग पहले एक केस लेते हैं जब ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो। जब ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा तो डायोड के अक्रॉस पी पी से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, एन से नेगेटिव कनेक्ट होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। मतलब डायोड आपका यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल वायर जैसा बना दिया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला हाफ साइकिल ये यहाँ पर आप देख सकते। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव हो तो आउटपुट में जो जो अपन ने इनपुट दिया है वही मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में जो आउटपुट होता है जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। अब बात करते हैं केस टू की। जब ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, जब ए नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा तो पी जो है वो माइनस नेगेटिव से कनेक्ट होगा और एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो आपका डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, और रिवर्स बायस में चला जाएगा तो आपका ये ओपन हो जाएगा। और ओपन हो गया तो यहाँ पर कोई पाथ नहीं है जिससे करंट फ्लो हो, तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा।
कुछ नहीं आएगा, बस ये ऐसा आएगा। तो यहां से हमको पता चलता है कि पॉजिटिव वाला पार्ट रेक्टिफायर अगर हाफ वेव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आउटपुट में मिल जाता है, और अगर नेगेटिव है तो हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो अब इसका हम लोग एक बार वेव्स जो डायग्राम है वो देखते हैं। ये है हमारा इनपुट वोल्ट जो हमको ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में आउटपुट में मिलता है। ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये वाला जो आउटपुट है वो है रेक्टिफाई होने के बाद वाला आउटपुट। तो जैसा कि हमने देखा केस फर्स्ट में पॉजिटिव वाला पार्ट था तो फॉरवर्ड बायस में डायोड था, इसलिए हमको पॉजिटिव का पॉजिटिव यहाँ पर मिल जाता है आउटपुट में। लेकिन नेगेटिव जो पार्ट है वो हमको यहाँ पर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि डायोड आपका रिवर्स बायस में चला जाता है और वो कंडक्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर जीरो वोल्टेज मिला। उसके बाद फिर से पॉजिटिव, तो फिर से अगर पॉजिटिव है तो फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में आ गया तो फिर से जो वोल्टेज पॉजिटिव में अपने को यहाँ पर था वही आउटपुट में मिल जाएगा। अब इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमको दो में से एक ही आउटपुट में मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में से पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव से कुछ नहीं मिल रहा है, तो दो में से बेसिकली एक ही हमको आउटपुट में मिल रहा है, इसलिए एक ही वेव आपका रेक्टिफाई हो रहा है। तो एक ही वेव अगर रेक्टिफाई हो रहा है तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।